कल शाम 7:23 पर जब सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट किया था, उन शब्दों को पढ़कर के हर कोई शख्स ये सोच रहा था कि सुषमा स्वराज का ख्वाब पूरा हुआ। तो क्या सुषमा स्वराज उस ख्वाब की ताबीर के वक्त तक के लिए रुकी हुई थी? क्योंकि 10:50 पर जो खबर आई, और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में नेता हूँ, आम लोग हूँ, यहाँ पर आकर के उनके अंतिम दर्शन के लिए लंबी कतार लगी हुई बीजेपी के दफ्तर के बाहर गेट पर। लेकिन ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, बीजेपी के नेता यहाँ पर खड़े हैं, और ये जो गलियारा है, गलियारे के पीछे साइड में ये जो पूरा हॉल है, इसी हॉल में अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर रखा जाना है। मेरे इस तरफ मीडिया का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, और माना ऐसा जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में, क्योंकि उनकी आवाज़ से उनका पार्थिव शरीर यहाँ के लिए लाए जाने के लिए निकल चुका है, अब से कुछ ही देरी में उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उसे रखा जाएगा, और उसके बाद में यहीं से फिर उनकी अंतिम यात्रा होगी, जो कि लोधी रोड पर, जहाँ पर वो पंचतत्व में विलीन की जाएंगी। कैमरा पर्सन राघव के साथ जब्बार खान, R9 TV।